एक कंजूस व्यापारी था। उसका शंभु नामक एक नौकर था जो बड़ी उदार प्रकृति का था। शंभु अपने वेतन का काफी हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। जूस व्यापारी उससे हमेशा कहता, अरे मूर्ख, कुछ जोड़कर भी रख ले। लेकिन शंभु टाल जाता। एक बार खींचकर व्यापारी ने एक डंडा शंभु को दिया और कहा, जब कोई तुझे अपने से बड़ा मूर्ख मिले तो ये डंडा उसे दे देना। उसके बाद वह व्यापारी अक्सर शंभु से पूछता, क्या कोई अपने से बड़ा मूर्ख तुझे मिला? शंभु विनम्रता से इनकार कर देता। कुछ समय बाद व्यापारी सख्त बीमार पड़ा और उसका अंतिम समय निकट आ गया। वह शंभु से बोला, अब मैं बचूंगा नहीं, कुछ ही दिनों में मैं महायात्रा पर चल पड़ूंगा। भोला शंभु बोला, मालिक मुझे साथ ले चलिए। मालिक ने प्यार से झिड़का, अरे मूर्ख, वहाँ कोई साथ नहीं जाता। इस पर शंभु ने कहा, अच्छा किसी को मत ले जाइए, लेकिन अपनी सुख सुविधा के लिए रुपए पैसे घोड़ा गाड़ी आदि तो लेते जाइए। इस पर व्यापारी खींच कर बोला, अरे महामूर्ख, वह तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते, एकदम खाली हाथ जाना पड़ता है। अब शंभु बोला, मालिक अब तो यह डंडा आप ही रखिए, भला आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? सारी जिंदगी कमाने में लगा दी, ना दान किया ना पुण्य, जब कुछ साथ जाएगा ही नहीं तो जोड़ जोड़ कर रखने से क्या फायदा। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ केवल हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।